प्रदेश भर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां एक तरफ दुकानदारों की बिक्री कम हो रही है, तो वहीं आम लोगों की जेब पर भी महंगाई का खासा असर पड़ रहा है। टमाटर, लहसुन हो या फिर हरी सब्जियां, कोई भी सब्जी खरीदने से पहले लोगों को कई बार सोचना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। बदलते मौसम के साथ सब्जियों के दामों ने भी तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ हरियाणा बल्कि कई जगहों पर सब्जियों के दाम में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद सब्जियों के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि आम लोगों को सब्जी खरीदने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। मिडिल क्लास लोगों की रसोई का पूरा बजट हिल चुका है। ना सिर्फ हरी सब्जियां बल्कि टमाटर, प्याज और आलू लोगों को जमकर रुलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या खाएं और क्या बचाएं। पिछले हफ्ते जहां टमाटर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, वहीं अब टमाटर के भाव दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, हरी सब्जियां जैसे टिंडे, घिया, तोरी, ये खरीदने में भी लोगों को काफी सोच विचार करना पड़ रहा है। आखिर इतनी महंगाई में आम आदमी जाए तो जाए कहां? भिवानी से रिपोर्ट देखिए। सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और इस बढ़ती महंगाई की मार न केवल आमदन बल्कि दुकानदार भी झेल रहे हैं, क्योंकि खरीदार के लिए कोई भी व्यक्ति सब्जी मंडी में दिखाई नहीं दे रहा है। हम खड़े हैं भिवानी की कृष्णा कॉलोनी स्थित सब्जी मंडी में। कुछ सब्जी विक्रेता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं पहले के दामों में और अब के दामों में क्या फर्क आया है। सब्जी के दामों को देकर के क्या बढ़ोतरी हुई है या घटोतरी हुई है? 20-30 रुपये किलो। टमाटर की बात करें, टमाटर 100 रुपये किलो। अगर प्याज की बात करें, आलू की बात करें, प्याज भी आलू भी यही बाबा 100-60-80। तो बिक्री पर कितना असर पड़ा? 10 असर पड़ रहा है। आपका भाग तो वह क्या कह रही है? सारा सामान दे दे, किलो लेनी आधा किलो लेता है, भैया लेता है, 100 ग्राम लेता है, क्या करे। दामों में बढ़ोतरी के कारण फिर ये है, पीछे जो कुछ तो माल नहीं आ रहा है, कुछ देर ये भी है माल में ज़्यादा माल नहीं है, बाहर से आ रहा है। टमाटर महंगा होता है, हाथ लगा है तो ये 2 सेंट चल राजस्थान का शुरू हो जाएगा। दिवाली के बाद में बिल्कुल दाम आएगा। चलिए, ये थे सब्जी विक्रेता। इनका साफ तौर पर कहना था कि जो है सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके पीछे की वजह यही है कि कभी हिमाचल तो कभी बेंगलोर से बाहर से जो है सब्जी आ रही है, पीछे से माल कम होने की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आमदन और सब्जी विक्रेताओं को इस महंगाई की मार से कब छुटकारा मिल पाता है। अब सवाल यही उठता है कि ऐसा क्या कारण है जो सब्जियों के दाम अचानक आसमान छूने लगे हैं। आपको बता दें कि अगस्त में हुई बारिश के कारण सब्जियों की पैदावार घट गई। दूसरा फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि पैदावार कम होने के साथ साथ बारिश के चलते सब्जियां खराब भी ज्यादा हुई। यही कारण है कि सब्जी का स्टॉक इन दिनों कम है और भारी दामों में सब्जियां बिक रही हैं। क्या क्या सब्जी तो सारे कुछ अभी महंगी चल रही है, अभी कोई हाल नहीं है सब्जी का, देखते हैं सब्जी कम मंदी होगी। क्या क्या रेट है? टमाटर 800 चल रहा है जी, मटर हो रहा 150 रुपये किलो और गोभी का भी वही 80 रुपये किलो। शिमला मिर्च और लहसुन? लहसुन तो जी 90 रुपये पाया चल रहा है और शिमला मिर्च 40 का पाया चल रहा है और बैंगन वैंगन तो वही 40 रुपये किलो चल रहा है। क्या वजह क्या बताई जा रही है? भाग्य से सब्जी आ रही नहीं ना, जो खेतों में थी बरसात में खराब हो गई है और जो अब फसल आ रही है बाहर की आ रही है इसलिए महंगी हो रही है। तो लोग भी कम लेकर जा रहे हैं? हाँ, अभी तो कम ही ले रहे हैं, कोई आधा किलो, कोई पाइया, कोई 100 ग्राम। बहुत महंगी, टमाटर 80 रुपये किलो, खीरा 40 रुपये किलो, कहाँ रह गए टिंडा, या मेरे ख्याल में 160-160 कुछ है तो सब्जी आग लगी हुई है सब्जी में। लहसुन बता रहे हैं 90 रुपये पाइया, 100 रुपये पाइया, 400 रुपये किलो। सब्जियों के दाम तो महंगे हैं ही हैं जी, बाकी है ये टाइम के हिसाब से, फसल आगे और बढ़ जाएगी तो फिर सस्ती हो जाएगी। टमाटर 80 रुपये किलो, लहसुन 400 रुपये किलो। लहसुन की जरूरत नहीं पड़ी, टमाटर चलता है तो 80 रुपये किलो है आज की डेट में। बताते चले कि हरियाणा में बाहरी राज्यों से सब्जियां इंपोर्ट की जाती हैं,
महाराष्ट्र और राजस्थान से सब्जियों का आयात घट गया है। टमाटर के रेट 100 के पार पहुंच गए हैं। प्याज के भाव लोगों को खूब रुला रहे हैं। वहीं आलू, भिंडी, गोभी समेत तमाम सब्जियों के दाम 50% तक बढ़ चुके हैं। माना जा रहा है कि जैसे जैसे मौसम में और बदलाव आएगा, सब्जियों के दाम सामान्य हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।